समुद्र तट के छोटे से शहर में लहरदार समुद्र के पास और धुंधली चट्टानों से घिरा हुआ कुछ अजीब हुआ। रात और रात टाइम सीक्रेट्स नामक एक नई दुकान सामने आई। इसमें पुरानी चीजें थीं जो बहुत समय पहले की रहस्यमय कहानियां बताती प्रतीत होती थीं। सीशोर में लोगों को दुकान के बारे में उत्सुकता हुई तो वे अंदर चले गए। मालिक एक दुबला पतला व्यक्ति और उसकी आंखें बहुत तेज थीं। उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। दुकान में प्राचीन चीजें थीं और एक चीज ने हर किसी का ध्यान खींचा, एक पुराना घंटा चश्मा जो देखने में ऐसा लगता था जैसे वह कभी पुराना नहीं हुआ। एलेक्स के नेतृत्व में दोस्तों का एक समूह दुकान के रहस्यों का पता लगाना चाहता था। एक रात वे अंदर गए और मालिक ने उन्हें घंटे का चश्मा देखने दिया। उन्होंने सुना कि यह भविष्य दिखा सकता है। जब एलेक्स ने उसे घुमाया तो हवा में एक शांत ध्वनि गूंज उठी और रेत पीछे की ओर चली गई। अचानक वे समुद्र तट के एक डरावने संस्करण में थे जहां टूटी हुई इमारतें थीं और सब कुछ शांत था। मालिक ने कहा कि घंटे का चश्मा संभावित भविष्य दिखाता है। सीशोर को बचाने के लिए उन्हें दुकान के रहस्यों को सुलझाना था और ऐसे विकल्प चुनने थे जो उन्होंने जो देखा उसके विपरीत था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए चीजें भ्रमित होती गईं और वे यह नहीं बता सके कि क्या वास्तविक था और क्या एक दर्शन था। भरोसा खत्म हो गया और दोस्तों को अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ा। समय ने उनके साथ चालाकी की और वे नहीं जानते थे कि सीशोर का क्या होगा, लेकिन एलेक्स ने उनकी भावनाओं पर भरोसा करते हुए एक ऐसा विकल्प चुना जिसका कोई मतलब नहीं था। घंटा घर टूट गया और सब कुछ उलट गया। जब यह रुका तो समुद्र तट वापस सामान्य हो गया था और सूर्योदय शहर को रोशन कर रहा था। दुकान और अजीब मालिक चले गए थे। भले ही चीजें कठिन थीं, दोस्तों ने सीखा कि विकल्प शक्तिशाली होते हैं। समुद्र तट अपने सामान्य स्वरूप में वापस आ गया, लेकिन उस रात की कहानियां हवा में रहीं, एक अनुस्मारक कि कल जो होगा वह एक बड़ा आश्चर्य हो सकता है।